250 बहुत अच्छा स्कोर है इट्स अ गुड स्कोर तो पेपर वन सर जैसे उसको मैं ज्यादा अच्छे से फोकस कर पाऊंगी पेपर टू हालांकि अच्छा है पर उसको और थोड़ा सा सर वो फाइन ट्यून किया जा सकता है मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मेरा पेपर टू में मैं ये बोल सकती हूँ तो पेपर वन के लिए फर्स्ट आएगा इकोलॉजी वाला पोर्शन इकोलॉजी क्लाइमेट चेंज वहां से एक क्वेश्चन बनता ही है तो वो जीएसटी के साथ सिमिलर ही है उसका पोर्शन क्लाइमेट चेंज सब जैसे पढ़ते हैं पर हमें एग्रीकल्चर uh, के साथ रिलेट करके लिखना है जैसे वन डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने से सिक्स परसेंट हुई लॉस होता है ऐसे पांच छह uh, डेटा और फैक्ट रिसर्च पेपर से हो या फिर बुक से हो उठा के बना लेना पड़ेगा इस ईयर में ये आता है कोट करके जैसे हम कोट कोट डालते हैं टू थाउजेंड एटीन यहाँ पब्लिश हुआ था अगर वो कर पाए कोई तो तो मैंने ऐसे छह सात डेटा रख लिया था अपने हाथ में तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जैसे और कुछ कुछ टर्म्स uh, आते हैं जैसे एक्टिव ग्रीनिंग ऐसे ये जीएस में ही आता है पर हमें उसको रिलेट करना है अपने साथ तो ये एसआर रेडी का बुक में भी कुछ कुछ क्लाइमेट और वेदर का पोर्शन आ जाता है फर्स्ट चैप्टर तो उसको भी फर्स्ट चैप्टर नहीं सेकेंड चैप्टर आई थिंक तो वहां से कुछ कुछ आपको डेफिनेशन वगैरह मिल जाएगा अः कार्डिनल टेम्परेचर ये सब का और उसके साथ जो जीएस का पोर्शन है जो डेफिनेशन जो डेटा सेट ये सब है और जो टर्म्स ये सब आपको जीएस थ्री से उठा लेना है तो ये इकोलॉजी का बना जा, बन जाएगा और इकोलॉजी का मैंने प्रॉपर नोट्स लिखा था मतलब क्वेश्चन को लेकर नोट लिखा था बाकी उसके बाद आ जाएगा एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी का एक है क्रॉप साइंस और एक है जनरल एग्रोनॉमी जनरल एग्रीकल्चर जैसा तो एसआर रेड्डी एंड रेडियन रेड्डी ये दोनों बुक ठीक है कुछ कुछ अंग्राउ से कोट किया जा सकता है टीएनयू से भी कोट किया जा सकता है बहुत सिलेक्टिव ये दोनों बुक करने के बाद और मैंने कुछ कुछ इवोल्यूशन आई से भी देखा था उनका जो कोचिंग मेटेरियल है वहां से भी थोड़ा बहुत देखा था स्पेशली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड कोई टर्नोलॉजी हो रोटेशन ये सब का प्रॉपर टर्नोलॉजी और थोड़ा सा फाइन ट्यून करने के लिए मैं इवोल्यूशन आई से रिफर की थी उसके बाद क्रॉप साइंस क्रॉप साइंस के लिए मैंने राजेंद्र प्रसाद पढ़ा हुआ था तो वहां जैसे राइस का फर्टिलाइजर मैनेजमेंट वीड मैनेजमेंट ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है और उसे डिटेल पढ़ना है जैसे राइस का सोचिए प्री प्लांटिंग ऑपरेशंस किस टाइप के वड है वीड़ के टाइप्स राइस में भी अपलैंड और लोलैंड ऐसे वेट लैंड ये सब उड के नाम भी याद रखने पूरा स्पीसीस के साथ हम तो एग्रीकल्चर के हैं तो ये भी मेक uh, श्योर sure करना है कि साइंटिफिक नेम में कोई गलती ना हो क्योंकि एग्रीकल्चर आफ्टर ऑल इज अ साइंस पेपर इसको जैसा ट्रीट ना किया जाए इसको बहुत अच्छे से जैसे साइंस पेपर को ट्रीट किया जाए डेफिनेशन प्रॉपर सर एक फन फैक्ट बताऊं मुझे डेफिनेशन याद नहीं रहते डेफिनेशन ईयर ये सब मुझे बहुत मुश्किल होता है याद करने में डेफिनेशन को चार स्टेज में डिवाइड कर देती थी और उसका की वर्ड याद कर लेती थी <laughs> वहां जाके उसे जोड़ देती थी क्योंकि एग्जामिनर okay. आफ्टर ऑल ही देखते थे और तो, और और स्ट्रक्चरिंग um, हो जाती थी उसकी तो आपको अगर डेफिनेशन याद नहीं रह रहा तो की वर्ड्स को याद कर लीजिए चार की है, पांच की है, वैसे मतलब कुछ भी शॉर्टकट बना के की वर्ड याद कर लीजिए ऐसे डेफिनेशन रटना ही पड़ेगा क्योंकि वहां जाके आप मन से नहीं बना सकते बुक्स का ही कोट करना पड़ेगा और ब्रैकेट में अगर हो सके रेडी एंड रेडी इट्स वेल एंड गुड नहीं दे सकते तब भी इट्स ओके ये हो गया साइंस के लिए सर डीके दास पढ़ी थी साइंस के लिए टीके दास टीके दास का बुक और एक मुझे बुक का एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है मैंने मेरे ब्लॉग में मेंशन किया वो सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए पोर्शन के लिए मतलब मैंने रिफर किया था और इसके बाद टीएन का नोट्स और इवोल्यूशन का कुछ नोट्स और एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स तो मेरा आ, मतलब बैकग्राउंड है तो उसके लिए फिर भी मैंने फार्म पढ़ा था और का नोट्स बहुत सही है वो हो जाएगा और जीएल रे आप अगर पढ़ पाएंगे तो बस बहुत है okay, और okay. बाकी, आ, कुछ कुछ questions का देख लीजिए और इंटरनेट में सर्च कर लीजिए रिसर्व पेपर दो तीन आ जाएंगे सभी को पता है रिसर्व पेपर कहाँ से पढ़ना है उसका बैकग्राउंड सिर्फ पढ़ लेना है बस हो गया okay, okay. तो ये मैंने पेपर वन के लिए किया था पार्ट के लिए आपका क्या था सेकंड पार्टीज सर जेनेटिक्स में बीड़ी सिंह पूरा पढ़ना है हम्म साथ अगर हो सके तो अंगराव या टीएनओ का नोट्स थोड़ा बहुत जैसे वो जंपिंग जीन और बीटा क्रोमोजोम ये सब का डिफरेंसेस वो दिया था वहां और वो दो तीन चीजों के लिए बस अंगराव देखना है बाकी बीड़ी सिंह बहुत है फिर

नहीं हैसेसमेंट है ये okay, तो, okay. हाँ okay, okay. है तो ये बस और बाकी सब जो है मैंने तो अंग्राओ का मेटेरियल टीएनए का मेटेरियल से किया था एंटोमोलॉजी और बाकी सब और कुछ मेरे कॉलेज के नोट्स थे